हेलो देयर, आज हम सीखेंगे इंट्राडे में जब आप शेयर बाय या सेल करते हैं तो आपका पैसा कहाँ से कहाँ जाता है और शेयर कहाँ से कहाँ जाता है उसके प्रोसेस को, और इस प्रोसेस को इजी लैंग्वेज में इंट्राडे सेटलमेंट भी कहते हैं। सो अब देखिए, इंट्राडे में समझो अगर आपने कोई शेयर बाय किया 100 रुपये पे, तो हमने एक चीज़ जानते हैं पहले से कि जब भी हम कोई शेयर बाय करते हैं तो किसी सेलर से बाय करते हैं, जब हम शेयर सेल करते हैं तो किसी बायर को सेल करते हैं। सो बेसिकली हर बायर के लिए एक सेलर हमेशा होगा, हर सेलर के लिए हमेशा एक बायर होगा। तो समझो अगर आपने 100 रुपये पे एक शेयर बाय किया है तो डेफिनेटली अदर साइड कोई तो एक व्यक्ति है जिसने 100 रुपये पे एक शेयर सेल किया है। तो समझो आपने ये ट्रांजेक्शन सुबह 11 बजे किया कि आपने 100 रुपये का एक शेयर बाय किया और 100 रुपये का एक शेयर सेल किया किसी और ने। अब समझो 11 बजे ये ट्रांजैक्शन हुआ, तब शेयर का प्राइस 100 रुपये था। अब 1 बजे ऐसा हुआ कि शेयर का प्राइस चला गया 105, तो आपने बेसिकली 100 रुपये का शेयर 105 को बेच दिया, उस आदमी ने 100 रुपये का बेचा हुआ शेयर 105 को वापस खरीद लिया। तो आपने 100 रुपये का बेचा हुआ शेयर 105 को बेचा, इसलिए आपको 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसने 100 रुपये का शेयर 105, 100 को बेच के 105 पे वापस खरीद लिया, तो इसे 5 रुपये का नुकसान हुआ। सो इन दी एंड किसी को भी ना शेयर मिला ना किसी को शेयर देना पड़ा। अब 3:30 के बाद क्या होगा कि अब पैसा तो शेयर तो ट्रांसफर करना है नहीं, तो बस बेसिकली पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। शाम को 5 बजे तक इस आदमी के अकाउंट से 5 रुपये माइनस करके इन सब के थ्रू आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 5 रुपये प्लस हो जाएगा। सो बेसिकली 5 बजे तक आपके अकाउंट में 5 रुपये प्लस हो जाएगा, इसके अकाउंट से 5 रुपये माइनस हो जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ब्रोकरेज एंड टैक्सेस। सो इंट्राडे का सेटलमेंट समझना बहुत ईजी है। इंट्राडे में आप एक चीज़ याद रखिए, ना आपके अकाउंट से कभी शेयर ट्रांसफर होता है, ना बेचने वाले के अकाउंट से शेयर ट्रांसफर होता है। बस जिसको प्रॉफिट हुआ उसके अकाउंट में पैसा ऐड हो जाता है, जिसके अकाउंट लॉस हुआ उसके अकाउंट से पैसा माइनस हो जाता है। सो ये है इंट्राडे सेटलमेंट। अब एक चीज़ याद रखिए, आप चाहो तो इंट्राडे के पोजीशंस को डिलीवरी ट्रेड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उतना अमाउंट पे करके। सो दिस इज़ व्हाट इज़ इंट्राडे सेटलमेंट। थैंक यू।